भाई जी एक बार अपना परिचय दे दो जी पहले। विमल कुमार भोकाड़ी मुजफ्फरनगर जिला तहसील जानसर। बहुत अच्छा जी। तो ये बछड़ा जो है आप गंगा स्नान में लेके आए, दंतों में कैसा हो रहा फिलहाल जी? दंतों में 6 हैं जी फिलहाल। 6 दांत है जी। हाँ जी। और पहले भी लाए कभी से? नहीं जी शुरुआत आया। पहली बारी? हाँ जी पहली बार। तो जैसे भाई जी मुझे कहीं थोड़ा लिम्बी का असर भी दिखाई दिया बछड़े में। हाँ जी, तो हल्का सा लिम्बी का असर आ गया था। तो उसके कारण कोई कमजोरी महसूस तो नहीं कर रास्ते में? कुछ नहीं जी कुछ नहीं। 11 किलोमीटर चल का आया। 11 किलोमीटर तो ये तो अपनी बहुत अच्छे। तो बैलों की विशेषता होती है जी अपनी चाल पे जो पकड़ लेते हैं लगातार कंटिन्यू उस पे चलते रहते हैं, वही चाल पकड़ी बछड़े ने? बिल्कुल वही वाली चाल है। तो भाइयों बछड़ा देखे बहुत ही सुंदर है बिल्कुल। और ये देखें बछड़े का हम्फ बहुत ही उभरा हुआ हम्फ है और बनावट ये देखें स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है बछड़े का ये देख सकते हैं। और थकावट तो कोई मानने का मतलब ही नहीं होता नागौरी नस्ल में, क्योंकि ये चंचल और चलने के लिए पर्पस से ही पहले इस्तेमाल होते थे, हमारी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। और बल्कि जो हरियाणा नस्ल का बैल होता है वो काफ़ी बलिष्ठ होता है शरीर में इसके मुकाबले, वह हमारे कृषि कार्य में ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। लेकिन लंबी दूरी तय करने में जो है नागौरी नस्ल शुरू से ही जानी गई है। और ये भाई जी हैं लेकर आए हैं। और देखो भाई हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारे भाई ने अभी तक सहेज कर रखा हुआ है। फिलहाल शौक जो है झोटा बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली का ज़्यादा रह गया है, लेकिन इतना सुंदर पूरे मेले का आकर्षण का केंद्र है ये बछड़ा, बहुत ही सुंदर बछड़ा है। और ये हमारे सभी भाई यहाँ पर मौजूद हैं ये देख सकते हैं। और इधर टेंट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था भाई जी के द्वारा की गई है। और ये देखिए भाइयों, और चाल देखें जी बछड़े की, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही भव्य है देख सकते हैं साथियों। तो देखें साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।